हेलो दोस्त, आज हम आगे एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो है फिलिप्स अल्ट्रासाउंड टीवी का किट है। देख पा रहे हैं, यह हमारा फिलिप्स का किट है। देखिए, ये हमारा फिलिप्स अल्ट्रासाउंड का किट है। ये फ्लैट ओवल पर भी लगता है, सेम किट है। अल्ट्रासाउंड के लिए इसने फिलिप्स कंपनी वालों ने क्या किया, यहाँ पर एक पीएफ का सेट लगा दिया। देखिए पड़े, यहाँ पर एक पीएफ है ना, पीएफ का एक सेट लगा दिया। उसके बाद ये हमारा अल्ट्रासाउंड बन गया। इसकी एस टी नंबर देखिए, BSC 29 3807C। ठीक है, तो हम अब इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे, इसका प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो पहले हम क्या करें, इसका प्रॉब्लम देख लेंगे। प्रॉब्लम देखने के लिए पहले इसको बिजली देना पड़ेगा। तो हमने इसका बिजली दे दिया। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, इसका वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, 115 10। ठीक है, इसका रेगुलेटर वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये हमारा साउंड आइस वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ये हमारा 110 वोल्ट रिड्यूस होकर कितना पे आ गया, देखिए 10। तो इसका प्रॉब्लम ये है। तो हम इसका सोल्यूशन करके आप लोगों का दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्टिकल ब्लड है उसे हम चेंज करेंगे, और यहाँ पर 431 को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो ऑन करते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑप्टिकल ब्लड चेंज कर लिया है। ये हमारा था 1 2 3। ठीक है, ये हमने ऑप्टिकल ब्लड चेंज कर लिया। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, हमने टीवी को ऑन कर दिया, सेम प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब इसका गड़बड़ कुछ अलग जगह पर है। तो हमने ऑप्टिकल ब्लड चेंज कर दिया, उसके बाद भी नहीं है। 431 भी चेंज कर दे, उसके बाद भी नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है, वो हम मेज़रमेंट करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे गड़बड़ क्या है। तो दोस्तों, हमने इसका हाल्ट कर लिया। तो पहले हम वोल्टेज को मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, 170, इसका मतलब टीवी ऑन हो गया, रेगुलेटर वोल्टेज है। ठीक है, तो इसकी एसटी हो रहा है कि नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा। तो वर्टिकल आइस का वोल्टेज हम देख लेंगे। देखिए, -13, हमारा 14। तो इसका मतलब एसटी हमारा हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका प्रॉब्लम ये था, ये डायोड हमारा ख़राब, इसके वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा था। वोल्टेज रिड्यूस, ये डायोड कहाँ पर था, ये देखिए, यहाँ पर हमारा रेगुलेटर वोल्टेज जहाँ पर बन रहा था यहाँ पर गड़बड़ थी, इसलिए हमारा वोल्टेज रिड्यूस हो रहा था। देख पा रहे, ये हमारा ख़राब हो गया था, इसके वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा था। ये देखिए, ये डायोड, इसके बदले में हमने ये लगा दिया। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।